नई पिक्चर, नया कॉन्सेप्ट और सुपर सोल्जर, जी है यही देखने को मिलने वाला है आपको फिल्म अटैक के भीतर। आपने ट्रेलर देख लिया होगा, आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि पिक्चर किस तरह की होने वाली है, लेकिन कुछ पॉइंटर्स आपको बताने वाला हूँ। पिक्चर देखकर अभी जस्ट बाहर निकले हैं और ये आपको बताने वाला हूँ कि पिक्चर के अंदर क्या है खास। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो एक नया कॉन्सेप्ट इस पिक्चर के अंदर एक नया कॉन्सेप्ट रखा गया है, फिर यूँ कहे कि बनाया गया है, और मुझे ऐसा लगता है कि इस कॉन्सेप्ट ने, अगर मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ, तो इस कॉन्सेप्ट ने बाहर के स्पाइडरमैन सुपरमैन जैसे बड़े बड़े धुरंधरों को भैया धूल चटाने जैसे कोशिश ज़रूर की है। और मुझे लगता है कि इंडियन सिनेमा में, क्योंकि पहली बार इस तरीके का कॉन्सेप्ट आया है, तो कहीं ना कहीं कामयाब होता हुआ ज़रूर दिखाई देगा, और मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस कॉन्सेप्ट को देखकर बड़ा मज़ा आएगा। दूसरे नंबर पर आते हैं इस फिल्म में किस तरह के सीन्स दिखाए गए। देखिए भैया, एक चीज़ बड़े ध्यान से आपको देखने को मज़ा आएगा जिसे, वो है इसके फाइटिंग सीन्स। इस फिल्म के अंदर सबसे अच्छा जो है वो है इसके फाइटिंग सीन्स। जिस तरह से उन्हें फिल्माया गया है, जिस तरह से उन्हें दिखाया गया है, उसे देखने में आपको ज़रूर मज़ा आने वाला है। और आपको एक चीज़ बड़े पसंद आएगी इस पिक्चर के अंदर, वो ये है कि भैया ये जिस तरह से फिल्माई गई है वो कुछ अलग है और कुछ नया दिखाने की कोशिश करती है। बात करते हैं यहाँ पर फिल्म के एक्टर और एक्ट्रेसेस की, तो भैया जैकलीन का रोल छोटा सा है, लेकिन उसे बड़ा करने की कोशिश की गई है ऐसा लगता है। छोटी सी एंट्री है, छोटा सा कैमियो जैसा सीन उनका लगता है, लेकिन बाद में उसे धीरे 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 बढ़ा दिया गया है और वो यादों में चलती रहती हैं। खैर, वो पिक्चर देखने के बाद आपको ज़रूर पता चल जाएगा। अगर बात करते हैं सबा की, यानी कि रकुल प्रीत की, तो उनका रोल कुछ अलग है, कुछ नया प्रेजेंट करने की कोशिश की गई है और इंडियन साइंटिस्ट को दिखाया गया। जैसा कि आपने देखा भी होगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने दिखाया था कि जब रकुल प्रीत ने खुद कहा था कि एक नया रोल कर रही हूँ और भारत के साइंटिस्टों का रोल कर रही हूँ, जो कि एक अलग है और नया अपने आप को प्रेजेंट करता है, तो उसके रोल को देखने में भी आपको बहुत मज़ा आने वाला है। इसके अलावा अगर आप बात करते हैं यहाँ पर जॉन अब्राहम के रोल की, तो भैया वन मैन आर्मी की तरह वो हमेशा से चलते हुए आए हैं और इस फिल्म में भी वन मैन आर्मी की तरह ही वो नज़र भी आ रहे हैं। इसके अंदर उन्होंने अकेले सुपर सोल्जर का रोल किया है और एक नया कॉन्सेप्ट ज़रूर लाने की कोशिश की है डायरेक्टर द्वारा। देखिए, बहुत अच्छा है और मुझे ऐसा लगता है कि इस फिल्म के अगर स्टार की आप बात करते हैं तो 5 में से मैं 3 स्टार इस फिल्म को देना चाहूँगा। रीज़न है उसके पीछे इसकी फिल्मोग्राफी, रीज़न है उसके पीछे एक्टर एक्ट्रेसेस, रीज़न है उसके पीछे सबसे बड़ा वो है कॉन्सेप्ट। एक नया कॉन्सेप्ट इंडियन सिनेमा के अंदर डालने की कोशिश की गई है जो कि अभी तक नहीं सोचा गया था, और ये कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं एलन मस्क से जाकर टच हो जाता है, जो कि खुद पिक्चर के अंदर भी ऐसा बताया गया है कि एक चिप जो है वो इंसर्ट कर दी जाएगी और एक IRA यानी कि इरा इंटेलिजेंट रोबोट असिस्टेंट जो है वो आपके अंदर इंस्टॉल हो जाएगा और वो सारी चीज़ें आपको बताता रहेगा। तो ऐसा ज़रूरी है और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ आने वाले समय में शायद आपको, आप सभी के अंदर इरा भी फिट हो जाए, क्योंकि एलन मस्क ने इसकी शुरुआत करी है, ये फिल्म के अंदर बताया भी गया है। खैर, आप पिक्चर देखकर आइएगा और बताइएगा कि आपको ये पिक्चर कैसी लगी और आप इस पिक्चर में से कितने स्टार देना चाहते हैं। बने रहिएगा क्विक न्यूज़ के साथ, बाकी फिल्मों के रिव्यू भी ऐसे ही आपको दिखाते रहेंगे।